नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई मूसा जी गली की जामा मस्जिद के ट्रस्ट को लेकर जो पिछले कुछ समय से विरोध शुरू था, उसमें आखिरकार आज वक्फ बोर्ड ने एक प्रशासक की नियुक्ति की और वक्फ बोर्ड के प्रशासक उन्होंने मस्जिद की संपत्ति का अधिग्रहण किया, अपने ताबे मिली। औरंगाबाद खंडपीठ के वक्फ बोर्ड प्रादेशिक अधिकारी वसई आए, उन्होंने आज हैंडओवर पूरा लिया और अपनी तरफ से अपने बिहाफ पर उन्होंने मौलाना सुभान को, जो कि इमाम है फिलहाल मूसा जी गली जामा मस्जिद के देखने के लिए, नियुक्त किया है। पिछले लंबे समय से इस ट्रस्ट को लेकर कई विवाद सामने आए थे, उसके अंतर्गत ये कार्यवाही वक्फ बोर्ड द्वारा की गई है और कार्यवाही करने के बाद प्रादेशिक अधिकारी से हमने मुलाकात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ मौलाना सुभान ने क्या कुछ कहा और कुछ स्थानीय लोग उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अतीक अहमद खान। सर, आप किस विभाग डिपार्टमेंट से हैं? मैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से हूँ, एज ए रीजनल वक्फ ऑफिसर, कोकण डिवीजन, मुंबई। आज आप यहाँ आए, क्या विषय है, क्या मतलब है? महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर दिया, असल में जामा मस्जिद वसई को डायरेक्ट कंट्रोल में लेने के लिए। वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक लेटर लिखा पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस से बंदोबस्त लिया। पुलिस से बंदोबस्त लेने के बाद में ये मस्जिद में आके यहाँ पर बाज़ाब्ता जो है तो पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद में मस्जिद को टेक ओवर किया और टेक ओवर करके मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर जो है तो ये लिख के लगाया हूँ कि आज से इस मस्जिद का कारोबार जो है वो मिन जानिब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड किया जाएगा। जो साबिका के जो लोग थे, जो भी साबिका में सेक्रेटरी या जो चेयरमैन या अध्यक्ष थे, उनको जो है तो बोर्ड ने निलंबित कर दिया। और निलंबित करने के बाद में ये कहा कि मेरे को आप जाके इसको टेक ओवर करो और हमारे को रिपोर्ट सबमिट करो। सर, ये निलंबन की कार्यवाही तात्पूर्ति है कि इसके बाद में इलेक्शन होगा, क्या कुछ? निलंबित का जो ऑर्डर दिया बोर्ड ने, उसमें लिखा असल में कि ये जब तक के अगली कार्रवाई नहीं होती तब तक के ये इदारा डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। आप यहाँ हमेशा विजिट करेंगे कि आपने यहाँ? मेरे को एज ए प्रशासक यहाँ पर विजिट करना ही है 8 दिन में 10 दिन में, और मैं डेली नहीं आ सकता, इसलिए मैंने मेरे बिहाफ में यहाँ के जो मस्जिद के इमाम हैं सुभान साहब, इनको मेरे बिहाफ में जिम्मेदारी दिया कि यहाँ पर जो भी रोज़ेमर्रा के काम में कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप करें और मेरे से टेलीफोनिक बातचीत करें। सर, यहाँ से एक सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ बातें आप जो है जानकारी में दे सकते हैं पब्लिक को, कि पहली कमेटी थी यहाँ पे जो जो हिसाब से चला रही थी और अभी सडनली जो है वक्फ बोर्ड के हाथ में आया, तो फिर सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है? बोर्ड ने अभी सिक्योरिटी का जो यहाँ का मामला है, असल में अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। बोर्ड ने जो ऑर्डर दिया था, जितना बोर्ड ने ऑर्डर दिया उसको इतना इम्प्लीमेंट किया। सर, टेक ओवर की जो कार्रवाई हुई, इसमें किस किन चीज़ों की जब्ती की गई? टेक ओवर के अंदर एक तरफा पंचनामा करके मैंने ताबा लिया। मैंने जो साबिका में यहाँ पर डॉक्टर नसीर साहब थे उनको कॉल किया, उनका फ़ोन दोपहर से स्विच ऑफ है, उनके बच्चे से बात किया, उनके बच्चे ने बोला कि मेरे पास चाबी नहीं है, मेरी चाबी ऑफिस की चाबी वाले साहब के पास में है और वाले साहब हाई कोर्ट में है, इसलिए मेरे को मजबूरन वन साइड जो है तो पंचनामा करके ताबा लेना पड़ा और ऑफिस को मैंने सील कर दिया हूँ। और ये सब चीज़ें पूरी इत्तला जो है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड को दे चुका हूँ। पिछली कमेटी पे क्या कार्रवाई हुई? पिछली कमेटी की जो कार्रवाई थी, हमारे पास बोर्ड के अंदर हेयरिंग पेंडिंग है, लेकिन बोर्ड को 95 में वक्फ एक्ट अंडर सेक्शन 672 के तहत पावर्स है कि अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि कहीं अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही तो बोर्ड उसको पोजीशन डायरेक्ट कंट्रोल में लेके आइंदा की कार्रवाई कर सकता। इस मस्जिद ट्रस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी जो है वो लीगली अभी इसमें ऐड है और उसमें भी किन किन चीज़ों को आपने साबित किया? मस्जिद के अंदर जो प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी तो खैर एज पर शेड्यूल वन है, पूरी की पूरी कब्रस्तान है, मस्जिद है, मस्जिद की और प्रॉपर्टी भी है। अभी इसका बाज़ाब्ता जो है तो पूरा सर्वे करके उसको इंक्लूड किया जाएगा कि क्या क्या है। अभी फिलहाल जो मैंने पोजीशन लिया, कब्रस्तान, मस्जिद और ऑफिस, ये चीज़ों का मैंने भी आज पोजीशन लिया हूँ। थैंक यू। मौलाना
सर क्या कहेंगे जो प्रशासक महोदय उन्होंने आपको यहाँ का भी इंचार्ज सौंपा है, क्या जी? वैसे तो कल तक इमाम था, आज भी इमाम ही हूँ, असल जिम्मेदारी मेरी वही है, लेकिन जो कुछ है इनके मातहती में उनको खबर बताना है कि हालात किस रुख पर जा रहे हैं, क्या हैं, जो भी हालात यहाँ के उतार चढ़ाव होंगे वो मुझे इनको इन्फॉर्म करना है, फिर ये अपने एतबार से कार्रवाई करेंगे या कुछ डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक अमल करूँगा। शाहिद शेख, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट काफ़ी जूनी है और काफ़ी सालों से चला रहे, डॉक्टर नसीर इसके चेयरमैन थे, तो ये ट्रस्ट अभी मनमानी नहीं कर रही, लास्ट 35 ईयर से मनमानी कर रही है, और हम लोग के पहले जो जैसे सुलेमान भाई थे तेल वाले, उन्होंने लड़ा, फिर मैं हूँ, डॉक्टर शेख है, एडवोकेट सिद्धेश नाइक है, उन्होंने लड़ा, उसके बाद में मेरे अभी खालिद है, फारूक मुल्ला है, दूसरे साथी है जिनका मुझे नाम अभी याद नहीं है, हमारा एडवोकेट खान है, और हमारे दूसरे सब जमाती जो जमात के सब साथी हैं, उन लोग सब लोगों ने लड़ा, और लड़ने के बाद ये कुछ मामूली नहीं, अभी उन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई ये तुमने अचानक कैसा ये किया, ये अचानक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ये कम से कम 35 से 40 साल की लड़ाई है, उसके बाद में आज ये उन्होंने उनको निलंबित किया हुआ है, और अभी मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कोई किसी को ब्लेम मत करो, कुछ भी इंतजार पैदा मत करो, या अपने या पुलिस की ज़रूरत पड़े या कुछ, ठीक है, आज हमारे को अगर जिम्मेदारी है मौलाना को या दूसरे लोगों को भी, तो जिम्मेदारी अपने अच्छे से निभाइए, किसी को ब्लेम मत करो, लेकिन सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि भाई जो ट्रस्ट मनमानी कर रही थी वैसा मत करो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मस्जिद हो, या ट्रस्ट की कोई दूसरी भी प्रॉपर्टी हो, और जितने लोगों ने भी इसमें काम किया बढ़ चढ़ के, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे आतिक साहब जो औरंगाबाद बोर्ड से आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके जो साथ में साथी आए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर से एक बार बोलता हूँ, जैसे खालिद है और दूसरे लोग हैं, फारूक मुल्ला है, सलीम खेमानी है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के, आसिफ है, नुमेर है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, अल्लाह उनको इंशाल्लाह जजाए खैर दे, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबान, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम वाला है, मैं तो इस मौके पे तकबीर ही कहूँगा कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहि अल्हम्द, इससे ज़्यादा कुछ बयान करने जैसा ही नहीं है, सबकी इस पे मेहनत है, याया भाई है, सलीम भाई है, नुमेर है, आसिफ, सिराज शेख, बाकी माशाल्लाह जितने भी थे, एक टीम वर्क था, एक टेबल थे जिसके चार पैर बने, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है, फारूक मुल्ला साहब है, हर किसी का इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बोलने और बयान करने ऐसी कुछ बात नहीं है, 30-35 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह सबको रिजल्ट मिला है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शेख साहब, मुन्ना भाई, सिद्धेश नाइक साहब, जैसे बताया उन्होंने, मतलब बीज बोया और फल यहाँ तक हमने पहुँचा, और याया भाई माशाल्लाह, स्पेशल थैंक्स याया भाई और फारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी भी जितने भी लोग हैं, सलीम भाई भी हमारे, बाकी सब जो है वो भी एक मतलब एक पार्ट है इसका, वो भी नहीं होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते थे, तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, स्पेशली थैंक्स एपीआई जगताप साहब, वसई पुलिस स्टेशन, एसीपी बड़े मैडम साहब, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और वक्फ बोर्ड का जो अतीक साहब ने 67 के तहत यहाँ पे कार्रवाई की है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माहौल बहुत पूरा मने, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, और इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पे मस्जिद रिपेयरिंग का जो 20 साल से काम पेंडिंग था, इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे, जज़ाकअल्लाह खैर, और कब्रिस्तान का भी शुरू करेंगे, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।